भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आजकल खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर बहुत सख्त है। जल्दी आईपीएल का 15वां सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में बीसीसीआई ने उन खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट देने को कहा था जो चोट के कारण लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे। बोर्ड के इस फरमान के बाद हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस टेस्ट देने के लिए पहुंचे थे। एनसीए में दोनों खिलाड़ियों को यूयो टेस्ट से गुजरना पड़ा। यूयो टेस्ट में हार्दिक पांड्या तो पास हो गए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। जैसे ही पृथ्वी के फिटनेस टेस्ट में फेल होने की खबर आई, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाए जाने से पृथ्वी काफी दुखी नजर आए। तरह तरह की बातों से आहत पृथ्वी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके अपना दर्द बयां किया। पृथ्वी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा है, आप मेरी स्थिति नहीं जानते हैं, ऐसे में कृपया मुझे जज ना करें। शॉ की इस स्टोरी को देखने के बाद फैंस एक तरफ उनके साथ हमदर्दी जता रहे हैं तो दूसरी ओर उन्हें और भी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूयो टेस्ट पास करने के लिए 16.5 का स्कोर लाना होता है, लेकिन पृथ्वी शॉ 15 का स्कोर ही निकाल पाए। हालांकि इससे पृथ्वी के करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने यूयो टेस्ट पास कर लिया था। अब वे आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। पांड्या ने 17 प्लस स्कोर के साथ यूयो टेस्ट को पास किया है। उन्होंने काफी समय तक और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी भी की। पृथ्वी शॉ के यूयो टेस्ट में फेल होने को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल इनसाइड स्पोर्ट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।